सुबह सुबह उठना तो आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बच्चे मेरे हलवा पूड़ी लेके जाएंगे। तो बस नहा धो के जल्दी से किचन में आ गई हूँ और पूड़ी बनाने लगी हूँ मैं। पूड़ी के लिए मैंने आटा पहले से लगा के रखा है, जिससे आटा थोड़ा फूल जाता है। जब भी पूड़ियाँ बनाओ तो आटा थोड़ा सा पहले ही लगा के रख दो, इससे पूड़ियाँ थोड़ी अच्छी और क्रिस्पी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मैंने आटा पहले ही लगा दिया था और गीजर जल्दी से ऑन करके गर्म पानी से बस नहा के आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। आजकल मौसम जैसे जैसे बदल रहा है तो बच्चे भी थोड़ा सा हटके मतलब लंच ले जाना पसंद कर रहे हैं। वैसे तो पराठा भी लेके चले जाते थे, लेकिन अब पूरी सब्जी, पूरी हलवा और कुछ अलग ही चाहिए इन लोगों को। तो बस यही, कभी आलू का पराठा, तो गोभी भी मार्केट में आने लगी हुई, तो गोभी का भी बना देती हूँ कभी कभी। और आज पूरी हलवा की फरमाइश थी तो मैंने सोचा चलो पूरी हलवा बना देती हूँ। पूरी बनाने के बाद इसी कढ़ाई में मैं हलवा बना लूँगी। जो घी बचेगा थोड़ा सा घी और डाल के इसी में हलवा बना लेंगे, और फिर वही हस्बैंड भी लंच लेके चले जाएंगे, कि आज बहुत सारा काम हो गया है। आज मैंने बच्चों के लिए क्रैकर्स और थोड़ा सा घर का सामान भी मंगवाया था। मैंने सोचा फिर टाइम पे मंगवाएंगे तो फिर स्टॉक हो जाएगा और फिर टाइम से आएगा भी नहीं, इसलिए मैंने 3-4 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। तो आज कह रहा था मॉर्निंग में ही लेके आ जाऊँगा, तो बस देखिए किस टाइम आ जाए। बस जल्दी से मैंने फिर नाश्ता भी इसीलिए बना लिया जल्दी ही, और नहा भी लिया है सुबह ही सुबह, क्योंकि पता नहीं वो कब आ जाए फिर लेने। अब इसी में थोड़ा सा घी और डाल देंगे हम। वो वाला घी मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो वाले घी में थोड़ा सा ना तेल, पूड़ी या पराठा बनाओ तो फिर वो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको हटा के नया घी फिर से डाला है। और इसी में मैं थोड़ा सा ये डाल दूँगी किशमिश, थोड़ा सा किशमिश फूल जाती है तो हलवा में अच्छा टेस्ट देती है। अब इनको भी थोड़ा घी में भून लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे, क्योंकि अभी गाजर आई नहीं है, नहीं तो फिर गाजर का ही हलवा बनाने को कहते बच्चे। तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और सूजी का हलवा भी टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन जब मार्केट में गाजर आ जाती है तो बच्चे मेरी सूजी का हलवा नहीं पसंद करते हैं, गाजर का ही खाते हैं। तो फिलहाल तो मैं सूजी का बना रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से घी में भून लूँगी। सूजी को जितना आप घी में भूनेंगे हलवा उतना ही टेस्टी बनता है। तो इसको धीमी ही आंच पे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए अब सूजी में हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है। अब इसी स्टेज पे हम चीनी डालेंगे, हम पानी बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। अब चीनी को इधर उधर चलाने के बाद सूजी में, अब इसमें 5 मिनट के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, पानी उतना ही डालेंगे जितना सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ज़्यादा पानी वाला हलवा भी नहीं अच्छा लगता है। अब इसमें मैं 1/2 गिलास के बराबर पानी डालूंगी, और उतने में हलवा मेरा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि कितने पानी की जरूरत है।
तो मोस्टली मैंने इसमें आधा गिलास का पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको फिर मैं चलाती रहूँगी लगातार। उतने ही पानी में मैंने इतना मस्त हलवा बना दिया है। तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, आपके सूजी के अकॉर्डिंग ही आप पानी डालें तो न ज़्यादा होगा न कम होगा और परफेक्ट हलवा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना मस्त हलवा बनके तैयार हो गया, बिल्कुल प्रसाद जैसे। नवरात्रि में जो प्रसाद मिलता है हलवा पूड़ी, बिल्कुल वैसा ही हलवा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। तो चलो बच्चों का नाश्ता बनके मैंने तैयार कर दिया है, अब टिफिन में बच्चों का नाश्ता रख देते हैं। थोड़ा सा हलवा भी ठंडा हो गया है, अब टिफिन में इसको हम सेट कर देंगे। साथ में पूरी भी रख देंगे। बिग बास्केट से सामान भी मेरा आ गया है। बच्चों को आलू भुजिया तो बहुत ही पसंद रहती है, सारे बच्चे आलू भुजिया ज़्यादा खाते हैं। और ये चना दाल मंगा लिए हैं, छोला राजधानी का छोला ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये किसान टमाटो केचप हो गया, हो गया परचून का बेसन। और ये मैंने किशमिश मंगवाए हैं, किशमिश भी अच्छे लगते हैं खाने में। और ये रूम फ्रेशनेस ओडोनिल का होता है रूम स्प्रे, बहुत ही खुशबू रहती है और रूम में काफ़ी फ्रेशनेस रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है ये। थोड़े से टाटा संपन्न के मूंग, टाटा संपन्न का प्रोडक्ट कोई भी हो अच्छा रहता है। और टाटा संपन्न के ये काले चने भी मंगा लिए हैं मैंने, टाटा संपन्न वैरायटी अच्छी होती है। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, तो बच्चों के सभी के फेवरेट होते हैं, तो थोड़ा सा मैंने सामान मंगा लिया। मैंने सोचा अभी आने वाला है दिवाली, तो दिवाली में बहुत भी भीड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा सामान अभी मंगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा बाद में मंगा लेंगे, पहले कुछ दिन तक तो चल ही जाएगा। ये बाउंस बिस्किट और ये हल्दी पाउडर, तो चलिए बस। और ये टाटा साल्ट, चलिए फिर जल्दी से सामान रखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
साथ में मैंने बच्चों के लिए स्कैटर्स भी मंगवा लिया है। अभी बच्चों को मैंने दिखाया नहीं, बच्चे परेशान करने लगेंगे। ये देखिए चार डिब्बे इसकी है। ये देखिए चार डिब्बे इसकी है। और ईवा तो मेरी ज़्यादातर फुलझड़ी ही करती है क्योंकि वो छोटी हैं, तो उनके लिए चार डिब्बे मंगवा लिए हैं। और थोड़ा बहुत मेरा बेटा कर लेगा, थोड़ा बहुत मैं जला लूँगी। बच्चे परेशान कर रहे थे, मम्मा मेरे लिए जल्दी से मंगवा लो। तो फिर ये देखिए मैंने, बहुत अच्छी है ये, ऑनलाइन मिल जाती हैं तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही मंगवा देते हैं, मार्केट क्या जाना रहेगा। और ये भी क्रैकर से, और ये मेरे बेटा माना नहीं तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ले लेते हैं। और ये देखिए बड़ी वाली, काफी सामान आ गया, मतलब मोस्टली दीपावली के लिए। और फिर बच्चों को तो शौक रहता है ये। और ये देखिए बड़े वाले बम, मैंने पॉप पॉप के भी ले लिए हैं। ये देखिए पांच डिब्बे पॉपअप के भी ले लिए हैं। तो बस बच्चों के लिए कैकर्स का इतना सामान ही मैंने साथ में मंगवा लिया है। तो चलिए सामान रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।